जनवरी में आने वाले कुछ 7 फिल्मों को थिएटर में डायरेक्ट रिलीज कर दिया जाएगा और इसी वजह से जहां पर फैंस ने जैसे एक्साइटेड है, दूसरी तरफ थिएटर मालिक, डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर ने अपने अपने प्रॉफिट का हिसाब कर रही है। और आज मैं ऐसे ही इस अपकमिंग फिल्मों का प्री रिलीज यानी कि रिलीज होने से पहले ही कलेक्शन के बारे में बात करने वाली हूँ। और अगर आप हो 7 फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 1, क्रैक। यह तमस महाराजा रवि तेजा का मोस्ट एडेड अपकमिंग फिल्म है और इसी फिल्म के ऊपर डिपेंड कर रही है उसका सक्सेसफुल कमबैक। और इस फिल्म को डायरेक्ट करी है गोपी चंद मलिनेनी ने। साउथ का ऐसे कुछ कॉम्बो है जिसका पर एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर ने आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। और वैसे एक एग्जाम्पल है गोपी चंद मलिनेनी और रवि तेजा का कॉम्बो पैक जहाँ पर इन दोनों ने मिलकर डॉन सीन और बालीपुर जैसे मास फिल्म में दे चुके हैं। और इसी वजह से रवि तेजा का फिल्म क्रैक को पेंडेमिक के बाद ही काफी रिकॉर्ड वाला स्क्रीन मिला है और वो भी टोटल स्क्रीन मिला है 350 प्लस और जो मस महाराजा का कैरियर में हाईएस्ट स्क्रीनिंग है। और इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्रैक फिल्म का स्क्रीन मिला है 800 प्लस। और अभी बात करूँ क्रैक फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस के बारे में। रवि तेजा का क्रैक फिल्म को टॉल फिल्म इंडस्ट्री का थिएटरकल राइट सोल्ड हो चुके हैं 13 करोड़ प्लस में। और ऐसे करके क्रैक को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए 16 करोड़ का आसपास शेयर कलेक्शन उठाना पड़ेगा। और अभी बात करूँ क्रैक फिल्म का वर्ल्ड वाइड थिएटर काउंट के बारे में। निजाम पर स्क्रीन मिला है 350, आंध्र पर 420 और कर्नाटका पर 70 स्क्रीन और ओवरसीज पर 30 स्क्रीन यानी कि टोटल 1100 स्क्रीन मिला है। और इस स्क्रीन रवि तेजा का कैरियर में सबसे हाईएस्ट रिलीज फिल्म होगा। और अगर कंपेयर करूँ इसी स्क्रीन शेयर को टॉलीवुड का 2020 इंडस्ट्री हिट फिल्म आला वायकुंठा पुरमुलो के साथ तो उस फिल्म को निजाम पर स्क्रीन मिला था 205, एपी पर 350, कर्नाटका पर 220 और ओवरसीज में 210 यानी कि उस फिल्म को वर्ल्ड वाइड स्क्रीन मिला था 1150 यानी कि इसी हिसाब से मस महाराजा ने अपनी फिल्म क्रैक के लिए उनको एक मास स्क्रीन मिलने वाला है। नंबर 2, आचार्य। मेगास्टार चिरंजीवी का मोस्ट एडेड अपकमिंग फिल्म है आचार्य और जिसका सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड प्राइस में म्यूजिकल राइट सोल्ड हो चुका है। हाँ दोस्तों, और जो राइट सोल्ड हुआ है 4 करोड़ प्लस में। और इससे पहले तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का कोई फिल्मों का म्यूजिकल राइट इतना हाई प्राइस में सोल्ड नहीं हुआ था यानी कि आचार्य फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही एक रिकॉर्ड क्रिएट कर चुके हैं। नंबर 3, अल्लूदू अधूर्स। एक्शन हीरो बेल्लमकोंडा श्रीनिवास का अपकमिंग फिल्म है अल्लूदू अधूर्स और जो फिल्म 15 जनवरी 2021 में रिलीज होगा और ऑलरेडी इसका थिएटरकल राइट सोल्ड हो चुका है और जो सोल्ड हुआ है 11 करोड़ प्लस में यानी कि अभी बेल्लमकोंडा श्रीनिवास का अल्लूदू अधूर्स फिल्म को हिट होने के लिए 12 करोड़ का शेयर कलेक्शन उठाना पड़ेगा। नंबर 4, रेड। एनर्जेटिक स्टार राम पोथिनेनी का मोस्ट अपकमिंग फिल्म है रेड और जिस फिल्म के लिए उनका फैंस ने काफी एक्साइटेड है और जो ऑफिशियली तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म थड़म का तेलुगु रिमेक होगा। और राम पोथिनेनी का अपकमिंग फिल्म रेड का ऑलरेडी स्टेट थिएटरकल राइट सोल्ड हो चुका है और रेड फिल्म का तेलुगु स्टेट पर थिएटरकल राइट सोल्ड हुआ है 15 करोड़ में यानी कि अभी रेड को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए 16 करोड़ कलेक्शन उठाना पड़ेगा। नंबर 5, वाइल्ड डॉग। ये अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें नागार्जुना रोल में नजर आएंगे और इसमें उनको एनआईए ऑफिसर एसपी विजय वर्मा के रोल में दिखाया जाएगा और जहाँ पर थिएटर खुलने के बाद पहला ओटीटी डील वाला फिल्म होगा वाइल्ड डॉग। और इस फिल्म का सारे राइट सोल्ड हो चुके हैं 37 करोड़ में और इसके अंदर डिजिटल राइट और होम वीडियो राइट भी शामिल है। और बता दो दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने वाइल्ड डॉग को 27 करोड़ में खरीद चुके हैं। नंबर 6, मास्टर। अभी तमिल फिल्म इंडस्ट्री का मोस्ट हाइप वाला अपकमिंग फिल्म है मास्टर और जहाँ पर पेंडेमिक की वजह से थलापति विजय का मास्टर फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस 20% डिक्रीज हुआ है यानी कि 20% कम हुआ है। और जहाँ पर तमिलनाडु पर इस फिल्म का राइट सोल्ड हो चुका है 62 करोड़ में और तेलुगु स्टेट पर 8 करोड़, कर्नाटका पर 5 करोड़, केरला पर 4 करोड़, नॉर्थ इंडिया पर 6 करोड़ और ओवरसीज में टोटल 15 करोड़ में सोल्ड हो चुका है यानी कि टोटल थिएटरिकल राइट सोल्ड हुआ है 101 करोड़ में यानी कि हिंदी मार्केट के अलावा अदर स्टेट पर इसका राइट कम हो चुका है। चपट थलापति विजय का नॉर्मल रिलीज पर टोटल थिएटरिकल राइट उठता है 125 करोड़ से ज्यादा यानी कि अभी मास्टर फिल्म को हिट होने के लिए 102 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन उठाना पड़ेगा। और अभी बात करूँ मास्टर फिल्म का नॉन थिएटरिकल राइट्स के बारे में यानी कि सैटेलाइट डिजिटल म्यूजिकल राइट की,
और जो सोल्ड हो चुके हैं 72 करोड़ में। और ऐसे करके मास्टर कप अभी टोटल प्री बिजनेस हो चुके हैं 175 करोड़। और अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक मास्टर फिल्म सिनेमा हॉलों पर रिलीज होने के बाद सन टीवी पर इसका प्रीमियर होगा और डिजिटली अमेजन प्राइम वीडियो पर इस फिल्म का स्ट्रीम होगा। तो सबको क्या लगता है कि मास्टर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन करने वाले है, कॉमेंट करके बताना। दोस्तों ये रहा साउथ का जनवरी में आने वाले कुछ अपकमिंग फिल्म का प्री बिजनेस कलेक्शन के बारे में। और इस फिल्मों से कौन सी फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इसके बॉलीवुड और साउथ इंडिया से अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।